हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की कमाल की मॉन्टाज थंबनेल क्रिएट करेंगे। एंड यार, कुछ भी मैं यहाँ पे सिखाता हूँ ना, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग किया करो। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, आप लोग मेरे वर्क को इतने अच्छे से बना रहे हो, इतने अच्छे से कर पा रहे हो। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज की हम अपनी फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो रैपिड ऑन फायर है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इधर आ जाना है। एंड वहाँ पे आपको जो भी लिखना है ना टेक्स्ट, वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं पायल के एक यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, डरते हैं क्या, वो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। एंड जो फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा ना, वो फॉन्ट यूज़ कर लेना आप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लो कैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वैसे आपको इजी ट्यूटोरियल है, बहुत आराम से समझा रखा है, तो आराम से देख लेना वीडियो को। लास्ट तक देखोगे तो सीख के जाओगे, बीच में फटाफट हड़बड़ी में करोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे हम देखेंगे बिटसिंक मॉन्टाज, एंड उसका भी फॉन्ट मैं जो यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई यहाँ पे ऐड वगैरह का झंझट नहीं है। गूगल ड्राइव का लिंक है, आप लोग के वजह से ही किया है मैंने, बहुत नुकसान होता है मेरा। तो देख लो, हो गया हमारा। अब इसे हम सेव कर देंगे अल्ट्रा पे, एंड चलते हैं हम अपने PSCC एप्लीकेशन में। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अपने PSCC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको 90/20x1080 का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करनी है। एंड प्लस वाले आइकन पे जाना, फोटो लेयर पे जाना, एंड आपको ये वाली बैकग्राउंड तो मिल ही गई होगी, तो आप इसे सिंपली ऐड कर लेना इधर, ठीक है। एंड यहाँ से असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, तो आप लोग आराम से बैठ के देखो एंड सीख लो, मजे करो यार। इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना मुझे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देख लो, यहाँ पे मैंने कलर यहाँ पे ऐड किया है। 45 डिग्री इसकी ह्यू रहेगी, ठीक है। एंड इसकी ल्यूमिनेसिटी आपको एकदम जीरो रखना है। एंड अब फिर से प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, एंड जो हमारा 3D मॉडल है ना यहाँ पे फैरो एंड गर्ल कैरेक्टर का है, वो यहाँ पे हम इस तरह से ऐड करेंगे। एंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, ऊपर वाले लेयर पे गॉशियन ब्लर अप्लाई करूँगा, एंड उसे हम लीनियर डॉट्स ऑन कर देंगे। तो देख लो कितना फेयर लवली वाला चमक आ गया यहाँ पे। तो देख लो, चमक आने के बाद क्या करना, नीचे वाले लेयर पे आना है कैरेक्टर का, ठीक है। उसमें सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, थोड़ा सा मस्त एकदम अच्छा सा लाइट वगैरह अच्छा लगने लगेगा। एंड यहाँ पे फिर से आपको उसकी डुप्लीकेट लेयर करनी है, एंड वाले ऑप्शन पे जाना, फिल एंड स्ट्रोक पे जाना, ये 45 डिग्री वाले जो ह्यू था ना येलो कलर का, उसे एक बार आपको और सेलेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डीसेलेक्ट करेंगे, एफएक्स पे जाएंगे, गॉशियन ब्लर अप्लाई करेंगे, एंड ओके कर देंगे। फुल करने के बाद इसमें लीनियर डॉट्स दे देंगे, ठीक है, तो पीछे भी आपको अच्छा सा चमक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो हमारा सबसे नीचे वाला बैकग्राउंड था ना उस पर जाएंगे, उस पर हम टिंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। टिंट अप्लाई करेंगे और हमारे जो कैरेक्टर है ना उसके पीछे हम यहाँ पे अच्छा सा शैडो क्रिएट करेंगे, देख लो कुछ इस टाइप से। हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम देख लो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो उससे पहले हम अपने फ़ोटो लाइब्रेरी पे जाएंगे, एंड हमने जो पिक्सल लैब में जो टेक्स्ट ऐड किया था वो आपको इधर ऐड करना है। एंड एक एक करके सबको यहाँ पे अलग करना है, लेयर फ्रॉम सेलेक्शन करके आप अलग कर लेना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेता हूँ, तीनों मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलग कर लिया है। अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड था ना उसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, ठीक है। एंड रेक्टेंगल टूल से कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक पट्टी क्रिएट करेंगे, देख लो कुछ इस टाइप से। एंड ये होने के बाद क्या करेंगे, हम एंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे, येल्लो कलर की एक ग्रेडियंट होगी, आपको उसे ऐड कर देनी है, देख लो कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड जो बीट सिंक मॉन्टाज है ना वो टेक्स्ट आपको लेना है, एंड कुछ इस टाइप से आपको प्लेस करना है, देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देख लो यहाँ पे हो गया हमारा। इसे डुप्लीकेट करेंगे, फिर से इस साइड में हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एंड इसे थोड़ा सा फिर से एक बार डुप्लीकेट करके यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देंगे। तो देख लो यहाँ तक हमारा हो गया। अब तीनों अपने जो बीट सिंक मॉन्टाज का जो लेयर था ना उसे मर्ज करना, सेलेक्ट पिक्सल करना, इसमें हम ब्लैक कलर फिल करेंगे ताकि येलो कलर पे बहुत अच्छे से विजिबल रहे। तो देख लो मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया है, काफ़ी कूल लग रहा है। और इसे आपको क्या करना है कि जो आपका कैरेक्टर है ना उसके पीछे यहाँ पे ऐड करना है, देख लो काफ़ी मस्त सा लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे डरते हैं उस पर हम क्या करेंगे,
सेलेक्ट पिक्सल करके येलो कलर की ग्रेडियंट ऐड करेंगे। एंड जो क्या है उस पर भी हम यहाँ पे सिल्वर कलर का जो ग्रेडियंट है ना वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देख लो हो जाने के बाद क्या करना कि अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे शैडो देंगे 3D लुक थोड़ा सा आने के लिए, ठीक है। तो शैडो में भी आपको येलो कलर ही रखना है एंड इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको 11-15% रखनी है। एंड येलो कलर जो ब्लैक में थोड़ा सा होना उसे आप ऐड करना। अब यहाँ पे क्या मैं देख लो, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिल्वर कलर का जो ग्रेडियंट था वो मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसे डीसेलेक्ट करेंगे, एफएक्स पे जाएंगे, ड्रॉप शैडो पे जाएंगे एंड फिर से यहाँ पे हम वो येलो कलर वाली शैडो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को अपना अच्छे जगह पे। एंड यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसे ओके कर देंगे। एंड अब फिर से थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर दूँ, थोड़ा सा बीच में रहे, हाँ। फोटो लेयर पे जाएंगे एंड पायल को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। पायल को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें देख लो कुछ इस टाइप से आपको ऐड करना है। इस वाले पोजीशन पे आप रख सकते हो एंड सबसे नीचे कर देना इसकी लेयर। और इसकी जो ओपेसिटी हो आपको अराउंड 20-25% रखनी है इसकी ओपेसिटी, थोड़ा थोड़ा विजिबल रहे बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद गाइस क्या करेंगे, एमपीटी लेयर एक क्रिएट करेंगे, लीनियर डॉज ऑन करके ग्रेडियंट उसमें ऐड करेंगे। और ये वाली आपको ग्रेडियंट में जानी है, इसमें येलो कलर वो 45 डिग्री वाला था ना उसे हम दोनों प्लेट पे यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ यहाँ पे हल्का सा एकदम देना है, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा हल्का सा देना है ताकि थोड़ा पायल का शकल जो है ना अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे गॉशियन ब्लर उसमें अप्लाई कर देना। एंड देख लो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अच्छे से स्टेप फॉलो करना। एंड लाइक अभी तक नहीं किया यार तो कर देना यार। अब देख लो ये लाइट का जो PNG था ना मैं वो यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें लेनियर डॉज अप्लाई कर दिया है। इसको आपको कैरेक्टर के पीछे रखना है तो अच्छे से देख लेना कहाँ कहाँ जो मैंने प्लेस किया वो आप अच्छे से करना। एंड देख लो ये एक बार लाइन है स्कैनर लाइन, इसको भी मैंने ऐड किया एंड इसे ओवरले कर दिया। आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। तो ये चीज़ होने के बाद हमारा जो मॉन्टाज जो थंबनेल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स चीज़ें हमें ऐड करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो देख लो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये वाली फायर पार्टिकल मैंने ऐड किया है और इसमें हम एफएक्स में जाके यहाँ पे टिंट किया और इसमें येलो कलर फिल कर दिया और लेनियर डॉज अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये BGMI का एक लोगो है तो ये भी हम इसमें टिंट जाके वाइट कलर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एंड इसको आप पायल की तरफ भी रख सकते हो या अपने कार्लो सॉरी फेरो भैया के पीछे भी रख सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ तक हो गया हमारा एंड हमारा जो मॉन्टाज थंबनेल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें करनी है जो मैं कर रहा हूँ आप आराम से देख सकते हो। एंड मुझे पता है कि आप उतना चालाक तो हो ही क्योंकि मैंने बहुत सारे थंबनेल ट्यूटोरियल दे रखा है तो अभी तक तो बहुत कुछ सीख गए होगे आप लोग। अब देख लो यहाँ पे हमारा हो चुका है, इसमें हम क्या करेंगे लीनियर डॉज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड ग्रेडियंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे देख लो एमपीटी लेयर बनाने के बाद। और ये जो हमारा कैरेक्टर है ना उसकी ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से ग्रेडियंट यहाँ पे देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें गॉशियन ब्लर अप्लाई कर देंगे और एक बार डुप्लीकेट कर देना अगर नीड हो तो, ठीक है। उसके बाद अपने कैरेक्टर पर जाना, इसमें फेड कर देना नीचे साइड से ताकि थोड़ा सा अच्छा वाला लुक देखने को मिले, अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ पे आपको इसे सेव करना है एंड सेव करने के बाद Lightroom एप्लीकेशन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है कि प्रीसेट वाले ऑप्शन पे जाना, कर्व पे जाना, लिफ्ट शैडो का एक ऑप्शन मिलेगा उसमें जाके ओके कर देना। देख लो कमाल का यहाँ पे आपका थंबनेल रेडी हो चुका है। मुझे Instagram पे टैग नहीं किया ना तो समझ लेना। तो देख लो हो चुका है। अब यहाँ पे गाइस आप कमेंट में बता सकते हो कि कैसी लगी आपको ये थंबनेल। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।